Assalamualaikum. So now today our topic is internet. Internet is a very large collection of computers which are connected to one another using telephone lines. Internet को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ की information लेने के लिए, email के लिए, online chatting के लिए, buying and selling goods के लिए. WWW World Wide Web is a subset of internet which contain huge amount of information. Web page. It is a page on the internet which contains the information in the form of text, graphic or sound. Web browser. Web browser एक software application है जिसके ज़रिए आप different information ले सकते हैं. Some popular web browser are Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. ISP means Internet Service Provider is a company or organization जो कि हमें इंटरनेट तक रसाई देती है. होम पेज ये एक इंट्रोडक्टरी और मेन पेज होता है वेबसाइट का. जब भी आपको वेबसाइट ओपन करते हैं तो होम पेज सबसे पहले ओपन होता है. इसमें आमतौर पर टेबल ऑफ कंटेंट्स और दूसरे पेजेस के लिंक होते हैं. हाइपरलिंक में भी टेक्स्ट और पिक्चर. व्हेन यू क्लिक इट अ न्यू पेज और प्लेस इन द करंट पेज विल ओपन. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL ये एड्रेस होता है डॉक्यूमेंट्स का इंटरनेट पे. ईच वेबसाइट ऑन इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस लाइक www.google.com is an URL. Modem stand for modulator, demodulator. ये एक डिवाइस होती है जो कि कनेक्ट की जाती है कंप्यूटर के साथ विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स. मोडेम आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल मोडेम एंड एक्सटर्नल मोडेम. इंटरनल मोडेम मॉडल कंप्यूटर के अंदर फिक्स किया होता है जैसा कि डायलअप मॉडेम वगैरह. एक्सटर्नल मॉडेम को केबल की मदद से कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर यूज फॉर इंटरनेट. ये MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है. इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं जैसा कि